वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 1.3 इन द टाइम ऑफ सिल्वर रेन इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक इन क्लास 7। सो लेट्स बिगिन अवर पोयम। अवर पोयम नेम इज लेसन नंबर 1.3 इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन। अभी यहाँ पे बच्चों जब बारिश होती है तो देखो हम रेनी सीजन बहुत ही मज़े से इन्जॉय करते हैं। जब रेनी सीजन हमारी कंट्री इंडिया में स्टार्ट होता है तो देखो हमें एक ब्यूटीफुल सा रेनबो दिखने को मिलता है। हमारा जो इन्वायरमेंट है बहुत ही ग्रीनरी और ब्यूटीफुल बन जाता है, और हमारे जो आसपास का जो एटमोसफेयर है बहुत ही जो हॉट रहता है वो बहुत ही कोल्ड वेदर हो जाता है। सो लेट्स बिगिन अवर पोयम। In a time of silver rain, the earth puts forth new life again. Green grasses grow and flowers lift their heads. And all over the plain, the wonders spread of life, of life, of life. अभी poem की first stanza में poet क्या कहना चाहता है? हमारी जो poem है first stanza में poet जो है writer है वो क्या कहना चाहता है? जब बारिश होती है in time of silver rain, जब बारिश की सिल्वर बूंदें हमारी ज़मीन पे गिरती है, हमारी जो बारिश की बूंदें ऐसी आप देख सकते हो, ऐसे हमारी जो बारिश की बूंदें हैं वो ज़मीन पे गिरती है तो हमारी जो लाइफ है कैसी हो जाती है? फ्रेश हो जाती है। आपको चारों तरफ क्या देखने को मिलती है? हमें ग्रीनरी देखने को मिलती है। आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीनरी, हमारा जो आसपास के जो एटमोसफेयर है, इन्वायरमेंट है, ट्रीज़ वगैरह वो लीव्स वगैरह ट्रीज़ वगैरह मतलब फ्रेश हो जाते हैं, उन्हें मतलब एक न्यू लाइफ मिल जाती है। हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो हरा भरा हो जाता है, जो ग्रासेस वगैरह है वो हरे भरे हो जाते हैं। फ्लावर लिफ्ट देयर हेड्स, मतलब जो फ्लावर है उनके जो है उनके हेड मतलब उनके हेड भी वो भी खुल जाते हैं, वो भी खिलखिलाने लगते हैं, हंसने लगते कि बारिश शुरू हो गई है। एंड ऑल द वर्ल्ड द प्लेन, अभी प्लेन हम किसको बोलते हैं? जो माउंटेन रहते हैं वो भी मतलब बोलते हैं ना सुंदर दिखने लगते हैं, तो वो भी एकदम फ्रेश फील करने लगते हैं। द वंडर स्प्रेड ऑफ लाइफ मतलब उनकी जो लाइफ रहती है बहुत ही अच्छी हो जाती है। जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है देखो हमारे जो क्लाइमेट है कितना कोल्ड लगता है, और ह्यूमन बींग क्या सारे जो क्रीचर्स रहते हैं, जो ट्रीज रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं, और जो रेनी क्रीचर्स रहते हैं, फ्रॉग हो गया, अर्थम हो गया, और जो हम भी हैं इंसान भी, वो रेनी सीजन को बहुत ही मज़े से रेनी सीज़न में बहुत ही मज़े करते हैं, मतलब रेनी सीजन का जो टाइम है बहुत ही अच्छी तरह गुजारते हैं। इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन द बटरफ्लाई लिफ्ट सिल्कन विंग्स टू कैच अ रेनबो क्राई एंड ट्रीज पुट फॉर न्यू लीव्स टू सिंग एंजॉय बीनीथ द स्काई एज डाउन द रोडवे पासिंग बॉयज एंड गर्ल्स गो सिंगिंग टू इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन व्हेन स्प्रिंग एंड लाइफ आर न्यू। अभी यहाँ पे जो पोएट है सेकंड स्टैंडर्ड से में क्या बोल रहा है कि जब बारिश स्टार्ट होती है, जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है, जब रेन सिल्वर रेन स्टार्ट होता है, जब बारिश स्टार्ट होती है तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो एटमोसफेयर है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। हमें हर जगह क्या दिखने को मिलती है? ग्रीनरी देखने को मिलती है। जो हमारे जो फ्लावर्स हैं बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, हमारे जो माउंटेन्स हैं वो भी अच्छे लगने लगते हैं, मतलब जो हमारा जो क्लाइमेट है बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। हम रेनी सीजन में हम बहुत मज़े करते हैं कि हमें बोलते हैं ना रेनी सीजन में जो फार्मर्स रहते हैं, फ्रॉग रहते हैं, अर्थवर्म रहते हैं, रेनी क्रिएचर्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, ट्रीज रहते हैं, और जो प्लेन्स रहते हैं वो रेनी सीजन को बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं। अब बटरफ्लाइज आपने देखा होगा जो गार्डन में बटरफ्लाइज होती है, वो भी मतलब गार्डन में वो भी खिलखिलाने लगती है, खेलने लगती है, मस्ती करने लगती है, गुनगुनाने लगती है, और उनके जो पर है बहुत ही सिल्कन हो जाते हैं। वो किसको पकड़ने की कोशिश करते हैं? बटरफ्लाई रेनबो, जो हमें रेनी सीजन में देखने को मिलता है, तो रेनबो को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और जो ट्रीज रहते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं? फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें रेनी सीजन उन्हें बहुत पसंद आता है। जो न्यू लीव्स ट्रीज पर आती है वो गाना गाने लगती है। इन जॉय बीनीथ द स्काई, अभी जो जॉय है, जो स्काई वगैरह जो मज़े कर रहे हैं कि रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, तो उन्हें भी अच्छा लग रहा है, रेनी सीजन में उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। एज डाउन द रोडवे आप देख सकते हो जहाँ पे व्हीकल्स वगैरह चलती है, ट्रांसपोर्ट चलते हैं, और हम जो है ह्यूमन बींग मतलब हम जैसे फुटपाथ पे वॉक करते हैं, और रोडवे पे जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट चलते हैं, तो वो भी बहुत ही फ्रेश हो जाती है, वो भी मज़े करते हैं। पासिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब जो रोडवे पे जो गर्ल्स एंड बॉयज़ लड़के लड़कियाँ गुजर रहे हैं,
वो गाना गाते हुए गुजर रहे हैं, गो सिंगिंग टू इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन व्हेन स्प्रिंग एंड लाइफ एंड न्यू। मतलब जो मतलब रोडवेज पे आप देख सकते हो, जो रोडवेज होता है रेनी सीजन में, मतलब वहाँ पे जो लड़के जो हैं, वहाँ पे जो व्हीकल्स है वो भी व्हीकल्स चलते रहती हैं, वहाँ पे जो लड़के लड़कियाँ गुजरती है वो भी गाना गाते हुए गुजरती है कि उन्हें रेनी सीजन बहुत ही मज़ा आ रहा है, कि उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है, कि रेनी सीजन में हमें बहुत मज़ा आता है, कि हम डांस करते हैं, मज़े करते हैं, हाँ रेनी सीज़न का रेनी सीज़न को इन्जॉय करते हैं, कि जैसे एनिमल्स रहते हैं और हमारे जो ट्रीज़ रहते हैं और स्काई रहते हैं वो मतलब खुश हो जाते हैं कि हमारा रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है। और रेनबो वगैरह आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, और रोडवेज के पास जो लड़के लड़कियाँ गुजर रही हैं वो गाना गाते गुजर रही, कि उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, कि रेनी सीजन में उन्हें रेनी सीजन में बहुत मज़े कर रहे हैं। तो शैल वी रीड दिस पोएम वन मोर टाइम, सो लेट्स रीड पोएम नंबर 1.3 इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन। इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन द अर्थ put forth new life again, green grasses grow and flowers lift their heads and all over the again, the wonder of joy, wonder spread of life. In time of silver rain, the butterfly lift single wings to catch a rainbow cry, tease food for newly stitching, enjoy beneath the sky, as down the roadway, passing boys and girls, go singing to in time of silver rain, when spring and life are new. मतलब कब तक enjoy करते girls and boys, जब तक एक spring का season नहीं आता तब तक लड़के लड़कियाँ जो रहते हैं गुनगुनाने लगते हैं, जब तक new life उन्हें spring के season में नहीं दिखाई दिखती है। तो वो children, यहाँ के जो writer है, इस poem के writer कौन है? लैंगस्टोन हजेस। इस पोएम के राइटर कौन है? लैंगस्टोन हजेस। उन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। सो चिल्ड्रन,